तो हम सब जानेंगे बिना स्किप किए, फ्रेंड्स देखेंगे। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है सिलिका। सिलिका, सिलिका कितने परसेंट होता है? 35% टू 50%। ये जो इंग्रेडिएंट्स लिए जाते हैं ये सारे केजी में लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है सिल्ट। आपको इजी मेथड से लर्न करने के लिए ये यहाँ पे कोड है जिससे कि आपको बहुत ही इजीली लर्न हो जाएगा, SSCLIM। ओके, सिल्ट। सिल्ट का कितना परसेंट होता है? 22-35%। ओके, नेक्स्ट होता है क्ले। क्ले को हम एलुमिना भी कहते हैं, एलुमिना या क्ले। ये कितने परसेंट होता है? 22-30%। ओके, नेक्स्ट है हमारा लाइम। नेक्स्ट होता है लाइम जो कि 2-5% होता है। ओके, नेक्स्ट होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड कितना होता है? 5-6%। और मैग्नीशिया, मैग्नीशिया कितना होता है? वैसे तो ये होता है 1% से भी कम, बट हम 1% लेते हैं, लेस देन 1%, बट 1% हम लेते हैं। तो आप लोगों ने ब्रिक के इंग्रेडिएंट जान लिए कि क्या क्या होते हैं और कितने परसेंटेज में होते हैं, वो भी आपने जान लिया। अब उनका यूज़ क्या है, उनका फंक्शन क्या है, और उनकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी ब्रिक में, और अगर कम हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी ब्रिक में, अब मैं ये बताऊंगा। तो सबसे पहला जो है सिलिका, सिलिका की परसेंटेज इतना होता है 35-50%, मैंने पहले भी बताया है। तो सिलिका जो होता है वो मेन कंपोनेंट होता है ब्रिक का। सिलिका इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रिक। दिस प्रिवेंट्स द ब्रिक फ्रॉम श्रिंकिंग, क्रैकिंग एंड बर्स्टिंग। इट मेल्ट्स एट लो टेम्परेचर्स ड्यू टू आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया। ये क्या होता है कि ईंटों को सिकुड़ने से या दरार पड़ने से, फटने से रोकती है, और ये मैग्नीशिया और आयरन ऑक्साइड के कारण लो टेम्परेचर पर भी पिघल जाता है। ओके, तो हर चीज का एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। अगर सिलिका का क्वांटिटी एक्स्ट्रा हो जाएगा तब क्या प्रॉब्लम होगा? ठीक है, अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो अगर हम ब्रिक को थोड़ी सी भी ऊंचाई से गिराएंगे तो ब्रिक इजिली ब्रेक हो जाएगी, यानी टूट जाएगी। ठीक है, और सिलिका का गुड क्या, प्रॉपर्टीज क्या है? ये ईंट को स्ट्रेंथ देती है। ओके, यह ईंट को श्रिंकेज होने से रोकती है। ओके, सिलिका से ईंट में पानी सोखने का जो गुण होता है वो भी कम होता है। ठीक है, अगर यही चीज कम हो जाएगी तो ब्रिक की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, और वह ईंट पानी जल्दी सोखेगी। ठीक है, मतलब पानी सोखने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। अगर सिलिका कम हो जाएगा तो उसकी पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी, ब्रिक की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी। ओके, तो यही होता है सिलिका। नेक्स्ट है सिल्ट। सिल्ट कितने परसेंट होता है? 20-35%। इसका यूज क्या है? दिस आर पार्टिकल्स बिटवीन सैंड एंड सॉइल, दे वर्क टू कनेक्ट सॉइल एंड सैंड। जो टर्म इंपॉर्टेंट है उसको मैंने देखिए हाईलाइट किया हुआ है जिससे कि आप लोग को बहुत ही इजिली लर्न हो जाएगा, बहुत ही इजिली। बड़ी बड़ी थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपको उसका बेसिक ही ना पता हो। जब आपको बेसिक पता हो जाएगा तो आप बड़ी बड़ी थ्योरी को आप इजिली कर सकते हैं। ओके, दे वर्क टू कनेक्ट सॉइल एंड सैंड।
सिल्ट शाइनिंग इन द सनलाइट। क्या होता है कि ये पार्टिकल जो होता है वो सैंड एंड सॉइल के बीच का पार्टिकल होता है, और ये इसका वर्क क्या होता है, सॉइल एंड सैंड को ये कनेक्ट करता है। ओके, एंड सिल्ट आप कैसे पहचाने, ब्रिक में एक शाइनिंग जैसे पार्टिकल दिखता है वही होता है सिल्ट। ओके, नेक्स्ट है क्ले। क्ले होता है 20 to 30%। इसका यूज क्या पे होता है, वर्क्स टू एड सैंड पार्टिकल्स। ओके, वर्क्स टू सैंड पार्टिकल्स, यह बालू के कणों को ऐड करने का काम करती है। ओके, ड्यू टू दिस मॉर्टेजेस कम, मॉर्टेजेस कम मतलब इसी के कारण इसमें बाइंडिंग का गुण आता है, मतलब इसमें बंधक का गुण आता है। ओके, ड्यू टू दिस द सॉइल कैन बी मोल्डेड इन टू एनी शेप, इसी के कारण मिट्टी को हम किसी भी शेप में इसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी मोल्डेड इन टू एनी शेप, इसको ढाला जा सकता है। ओके, लाइम होता है 2 to 5%। अब इसका कैसे यूज होता है, इसको ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। इट मेल्ट्स द सिलिका पार्टिकल्स एट लो टेम्परेचर एंड बाइंड्स द ब्रिक पार्टिकल्स। इट ऑटोमेटिकली गेट्स एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर कमिंग इन टू कॉन्टेक्ट विद वाटर विच कॉसेज द ब्रिक टू बस्ट। ये क्या होता है, यह सिलिका के कण को कम ताप पर पिघलाकर ईंट के कणों को बाइंड करने का वर्क करती है, यानी ईंट के कणों को बाइंड करने का वर्क करती है। ओके, और यह क्या होगा कि पानी में आते ही लम्स जैसे होते हैं, ये पानी में आते ही जिससे ईंटें फट जाती है। ओके, अगर ये ज्यादा होगा तो ईंटें जो होंगे वो गल जाएंगे, अगर इसकी क्वांटिटी एक्स्ट्रा हो जाएगी तो ईंट जो होंगे वो गल जाएंगे। ओके, फाइव होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड 5 to 6% होता है। इसका यूज क्या पे होता है, द ब्रिक गेट्स इट्स रेड कलर फ्रॉम इट। ब्रिक को रेड कलर जो है इसी से मिलती है। ओके, इट्स एक्सेस मेक्स द ब्रिक डार्क ब्लू। अगर ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसकी क्वांटिटी अगर एक्स्ट्रा हो जाएगी तो वो ब्रिक को डार्क ब्लू कलर में चेंज कर देगा, इसकी क्वांटिटी एक्स्ट्रा होने पे वो डार्क ब्लू कलर में चेंज कर देगा। ओके, और सिक्स नंबर है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया 1% से भी कम होती है, less than 1%। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड कलर टू ब्रिक, इट्स एक्सेस मेक्स द ब्रिक येलो और ब्लैक। ये भी ब्रिक को कलर प्रोवाइड करती है। ओके, अगर ये एक्स्ट्रा हो जाती है तो ब्रिक का कलर येलो और ब्लैक।